नमस्कार, मैं महक वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। योगी सरकार ने दी नई तबादला नीति को मंजूरी, कुंभ के लिए 2500 करोड़ आवंटित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में तबादला नीति समेत 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। नई तबादला नीति के तहत समूह क, ख, ग, घ के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। इन जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। इनमें जो ज्यादा पुराना होगा वह पहले हटाया जाएगा। समूह क और ख में अधिकतम 20% और समूह ग और घ में अधिकतम 10% तबादले किए जाएंगे। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए 10,858 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं निजी विश्वविद्यालयों को प्रमोट किया जाएगा और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नोएडा में 500 बेड का अस्पताल और IIT कानपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। NEET UG मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, NTA से मांगा जवाब, काउंसलिंग पर रोक नहीं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 के रिजल्ट में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला की अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 जुलाई का समय दिया है। पीठ ने कहा कि काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों के एक समूह ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक्शन मोड में आई PM मोदी की कैबिनेट, सुबह सुबह मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। कल विभागों का बंटवारा होने के बाद आज सुबह से ही मंत्री अपना अपना कार्यभार संभालने के लिए मंत्रालय पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री का पदभार संभाला है। केरल के सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला। गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मिनिस्टर का कार्यभार ग्रहण किया। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कार्यभार संभाला। अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण व रेल मंत्री का पदभार ग्रहण किया। SJ शंकर ने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला और कहा कि एक बार फिर से विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलना बेहद सम्मान की बात है। इससे पूर्व PM मोदी ने मंत्रियों को पहले ही बता दिया है कि अपना चेहरा दिखाने मेरे पास मत आइएगा, काम कीजिएगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की नई सरकार का शपथ ग्रहण कल, PM मोदी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में TDP प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू को कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वहीं BJP ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है। ओडिशा में BJP की विधायक दल की बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भाजपा ने ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। ओडिशा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ BJP के कई केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:45 बजे जनता मैदान भुवनेश्वर में होगा। BJP के नए अध्यक्ष का सितम्बर में होगा चुनाव, फिलहाल पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे JP नड्डा। BJP के नए अध्यक्ष का चुनाव सितंबर तक होने की संभावना है। नए अध्यक्ष के चुनाव तक वर्तमान अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। JP नड्डा जनवरी 2020 में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। नए BJP अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे विनोद तावड़े का नाम बताया जाता है। इसके अलावा BJP OBC मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मण का नाम भी भाजपा अध्यक्ष की रेस में बताया जाता है। लक्ष्मण तेलंगाना के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी महासचिव सुनील बंसल
और राज्यसभा सदस्य ओम माथुर का नाम भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मॉनसून बारिश शुरू, बिहार यूपी में हीट वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्री मॉनसून बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 27 और राजस्थान के 8 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुजरात में कल तक मॉनसून प्रवेश कर सकता है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं मुंबई में रविवार को मॉनसून की एंट्री के बाद से बारिश हो रही है। दूसरी तरफ उत्तर और पूर्वी भारत हीट वेव की चपेट में है। बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लू चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा था। मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा सैन्य विमान लापता, नहीं मिल पा रही लोकेशन। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी में उपराष्ट्रपति सहित कई प्रमुख नेताओं को लेकर जा रहा सैन्य विमान लापता हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि विमान में उपराष्ट्रपति साउलोस चिलेमा समेत 10 लोग सवार थे। अधिकारियों के अनुसार विमान से संपर्क पूरी तरह टूट गया है और सही लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है। मलावी के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि विमान के रडार से गायब होने के बाद से विमानन अधिकारी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक के सारे प्रयास विफल रहे हैं। इस बीच मलावी के राष्ट्रपति बहामास जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।